बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की। टास्क जीतकर ये पांच घर वाले बने नए कैप्टन। मिली ऐसी स्पेशल पावर कि हारने वाली टीम की बच गई पुंगी। तो क्या है आपको बताता हूं। बिग बॉस ओटीटी दो दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इसमें रोजाना कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग मिलता है। जैसा कि आपने अभी तक दो इवेक्शन देखे हैं, नॉमिनेशन देखे हैं, घर वालों का एक दूसरे के प्रति अच्छा और बुरा, खटास और मिठास से भरा रिश्ता देखा है। मगर जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कई और शॉकिंग चीज़ें आ रही हैं। इस बार तो बिग बॉस में एक नहीं बल्कि पाँच कप्तान बनाए गए। जी हाँ, बिल्कुल बिग बॉस सीजन 16 की तरह। कौन कौन बना आइए बताते हैं। दरअसल बिग बॉस ने एक टास्क दिया था। इस टास्क में लोगों की दो टीमें बनाई गई थी, ए ब्लैक टीम और बी वाइट टीम। अब एक टीम में पूजा भट्ट, साइरस, फलक, नाज, अविनाश सचदेव, बेबिका धुर्वे और मनीषा रानी थे। वहीं टीम बी में आकांक्षा पुरी, अभिषेक मलहान, जद हबीब, आलिया सिद्दीकी और जिया शंकर थे। बिग बॉस ने बताया कि फलक की कप्तानी का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। बिग बॉस कहते हैं कि वो इस गेम को नया ट्विस्ट देने जा रहे हैं। ये हफ्ता होगा टीम वर्सेस टीम का हफ्ता। इस खेल के दो टीम्स के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों को आमने सामने हर चुनौती को जीतने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस बार आप आराम, आपकी सुख सुविधा और आपके इस घर के विशेष अधिकार निर्भर करेंगे। बिग बॉस आगे बताते हैं, जब जब आप बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क को जीत जाते हैं, तब तब गार्डन एरिया में मौजूद स्कोरबोर्ड पर अपने नाम के आगे एक पॉइंट कर देंगे। हफ्ते के अंत में उस स्कोर को, उस पर जिस टीम का ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको मिलेंगे एक विशेष अधिकार। जीतने वाली टीम को घर का कोई भी काम नहीं करना होगा और काम हारने वाली टीम के सदस्यों से ही करवाना होगा। पहले दिन पहला टास्क मिला खिलौना बनाने का। कॉटन और मोजे से घर वालों को अलग और बढ़िया खिलौने बनाने थे। इस प्रक्रिया में दोनों टीमें अपना बेस्ट देने में लगी थी। पूजा भट्ट टीम व्हाइट का तो आलिया टीम ब्लैक के खिलौने को रिजेक्ट और अप्रूव कर रही थी। टास्क के अंत में टीम बी यानी टीम व्हाइट के 10 और टीम एक यानी ब्लैक के सिर्फ 7 खिलौने ही अप्रूव हो जाते हैं। नतीजन आलिया की टीम जीत जाती है और पांचों घर के नए कप्तान बन जाते हैं। बिग बॉस में क्या फंडा कब नया होगा कुछ नहीं बोला जा सकता है, और इसके लिए कोई प्रिडिक्शन करना भी बोल नहीं सकते हैं। सच होगा या गलत होगा, सिर्फ प्रिडिक्शन भी रह सकता है। हालांकि पूरे टास्क में अविनाश फुकरा इंसान के साथ साथ आलिया सिद्दीकी की भी काफ़ी बहसबाजी होती है। दोनों टीमों के बीच फेयर और अनफेयर होने को लेकर के काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। टास्क जीतने के बाद टीम ए से बेबिका धुर्वे बगावत पर उतर आती हैं, काम करने से मना कर देती हैं। साथ ही वो कैमरे पर जा कर बिग बॉस से हाथ जोड़कर कहती हैं वो खुद को एक बार उनके सभी खिलौने को देखें, क्योंकि आलिया की टीम ने अनफेयर किया है। फिलहाल इस हफ्ते घर में 5 कप्तान हैं जिनको बिग बॉस ने प्रीमियम राशन और हारने वाली टीम को बेसिक राशन से नवाजा है। अभिषेक मलहान ने घर वालों को ड्यूटीज असाइन किए, हालांकि पहले टीम एक ने बगावत कर दी, खासकर पूजा भट्ट और बेबिका धुर्वे ने। उन्होंने कहा कि वो आपस में देख लेंगे कि उनको क्या करना है, मगर बाद में फुकरा इंसान ने सबको एक साथ बैठा कर सबको बताया कि उनको क्या काम करना है। बाथरूम क्लीनिंग के लिए पूजा भट्ट को, तो खाना बनाने के लिए फलक
और मनीषा को चुना गया। बेबिका को क्लीनिंग का काम दिया गया और किचन की ड्यूटी पर वो अड़ गई। ऐसे में उनको साइरस के साथ बर्तन साफ करने का भी काम सौंपा गया। अविनाश को क्लीनिंग की ड्यूटी दी गई। तो ये था हमारा बिग बॉस का कल क्या हुआ, उसका सारा डिटेल। आपको कैसा लगा वीडियो? और चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे बिग बॉस की सभी खबरें सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।